अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। हेलो, फोन पर गूंजती ये गुमनाम आवाज डिजिटल इंडिया के डकैतों की है। देश के 27 राज्यों की पुलिस इस आवाज का पीछा कर रही है। सरकार परेशान है, लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा आपको है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे इलाके में जहां से आया एक फोन कॉल चंद मिनट में ही आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है, आपकी बैंक की जमा पूंजी को पलक झपकते ही गायब कर सकता है। टेलीविजन पर पहली बार आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के लिए खतरा बन चुके ऑनलाइन बैंक डकैतों का अंडरवर्ल्ड। आपका आधार कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड और एटीएम कार्ड की डिटेल्स, आपकी मेल आईडी से लेकर पासवर्ड तक, वो आपकी हर गोपनीय जानकारी में सेंध लगा सकते हैं। वो चंद सेकंड में आपके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी पर हाथ साफ कर सकते हैं। वो आपको पल भर में कंगाल कर सकते हैं। तो सर, आपके पास एटीएम कार्ड और आधार कार्ड दोनों मौजूद है सर? है ना? हाँ। तो सर पहले आप अपना आधार नंबर बताएं सर। वो करोड़ों लोगों के गुमनाम दुश्मन हैं, वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं और उन्होंने झारखंड के एक खास इलाके को बना दिया है साइबर अपराध का अंडरवर्ल्ड। ये देश का वो इलाका है जहां दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों के अलावा देश के 27 राज्यों की पुलिस छापे मार चुकी है, जहां छुपे शातिरों ने फोन और इंटरनेट के जरिए पूरे देश में ठगी और धोखाधड़ी का जाल बिछा रखा है, जहां इंटरनेट और फोन के जरिए ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पांचवी फेल शख्स भी फोन हैकिंग और इंटरनेट ठगी का उस्ताद है, जहां साइबर ठगी लोगों के लिए एक उद्योग और रोजगार बनता जा रहा है, जहां खुद को गरीबी रेखा के नीचे बताने वाले लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, कार और अपाचे मोटरसाइकिल से घूमते हैं। आपको आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह हकीकत है उस खास इलाके की जिसका नाम है जामताड़ा। देश के साइबर क्राइम का सबसे बड़ा, सबसे कुख्यात अड्डा जामताड़ा। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर है झारखंड का जामताड़ा, जो भारत में साइबर अपराध का सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात ठिकाना है। करीब 8 लाख की आबादी वाला जामताड़ा पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है। झारखंड के देवघर, दुमका, गिरडीह और धनबाद जिले से घिरा जामताड़ा एक वक्त बॉक्साइट की खदानों के लिए मशहूर था, लेकिन अब ये गुनाह के एक ऐसे धंधे के लिए बदनाम हो चुका है जिसका नाम है साइबर क्राइम। आखिर जामताड़ा में साइबर क्राइम का धंधा कैसे फल फूल रहा है, कैसे जामताड़ा से देश भर में इंटरनेट ठगी और लोगों के बैंक खाते में सेंध लगाने का धंधा चलता है, इस धंधे को कैसे अंजाम दिया जाता है, इस पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा और कैमरामैन राजेश कुमार खुफिया कैमरे के साथ जामताड़ा पहुंचे। हमें पता चला कि जामताड़ा के कर्माटांड और नारायणपुर नाम के ऐसे दो इलाके हैं जहां साइबर ठगी का धंधा सबसे ज्यादा होता है। यहां सुबह होते ही कई युवक जंगल झाड़ से घिरे सुनसान इलाकों में निकल जाते हैं। ये युवक इंटरनेट और फोन के जरिए देश के अलग अलग इलाकों के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें फोन करते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा कर चंद मिनट में ही उनके बैंक अकाउंट को कर देते हैं साफ। जामताड़ा में कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारी मुलाकात हुई एक साइबर क्रिमिनल से। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने हमारे खुफिया कैमरे पर ठगी के जो राज उगलना शुरू किए उसे सुनकर हम भी हैरान रह गए।
जामताड़ा के साइबर अपराधी कितने शातिर हैं, ये बताने से पहले आप इस शख्स से मिलिए। फोन हैकिंग में माहिर इस शख्स से जब हमारी मुलाकात हुई तो उसने बातचीत के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता का फोन ही हैक कर लिया। सिम नंबर से हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं? मेरे सिम नंबर से कहीं भी कॉल कर सकते हो? आपके पास है आपका मोबाइल नंबर, एक बार बताइए सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बताएंगे आपका, ऑफलाइन करके आपको मोबाइल दीजिए। ऑफलाइन करके? ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं मतलब इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एरोप्लेन मोड पे कर दिया। डिलीट हो जाएगा? क्या नंबर है आपका, नंबर बोलिए। वही वाला? नहीं नहीं, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। 9693 93 किसका नंबर है? मेरा नंबर दिखाना। ये किसका नंबर है? अरे मेरा नंबर है। आपका आपका सिम कार्ड आपके पास है ना? हाँ मेरे पास है। देखिए सॉफ्टवेयर का ये कमाल है, आपके घर वाले को फोन करेंगे आपका एक्सीडेंट हो गया 50,000 मेरे अकाउंट में लगाओ, तो वो तुरंत लगाएगा ना। आपके रिश्तेदार से पैसे मंगा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का ये कमाल है, ये इंडिया का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ओ आई का है। ठीक है, ऐसा साइबर ठगी किया जाता है। चेहरा छिपाए इस युवक को देखिए, अपनी पहचान छुपाकर एबीपी न्यूज संवाददाता के सामने आया ये युवक साइबर गोरख धंधे का मंझा हुआ खिलाड़ी है। आपका आधार लिंक नहीं है सर, आपका कौन कौन सा बैंक का अकाउंट अभी चल रहा है? ये जामताड़ा से हर रोज दिल्ली जैसे बड़े शहरों के नंबरों पर सैकड़ों लोगों को फोन करता है। ये खुद को कॉल सेंटर का आदमी बताकर लोगों के आधार कार्ड से लेकर एटीएम कार्ड तक की डिटेल मांगता है। केयर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? आधार कस्टमर केयर से सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर बोल रहे हैं, आपका जो बैंक अकाउंट चल रहा है सर, उसमें आपका आधार लिंक नहीं है सर, आपका कौन कौन सा बैंक का अकाउंट अभी चल रहा है? सर तो चल रहा है, तो उसमें सर आपने आधार लिंक नहीं कराया है सर। सर वो तो अभी डीएक्टिवेट बता रहा है सर आपका SBI का। SBI में जो आपका अकाउंट है सर, उसका डीएक्टिवेट बता रहा है सर। सर उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको सर। तो सर आपके पास ATM कार्ड और आधार कार्ड दोनों मौजूद है सर? हाँ जी सर है ना। हाँ। तो सर पहले आप अपना आधार नंबर बताएं सर। सुना आपने, ऐसे फोन कॉल शायद आपके पास भी आ सकते हैं। बहुत सारे वॉलेट। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इस युवक ने ये फोन कॉल सिर्फ दिखावे के लिए डेमो के तौर पर किया था। एबीपी न्यूज संवाददाता के सामने इसने किसी शख्स से आधार कार्ड या कोई और जानकारी हासिल नहीं की। ये दिखाना आपको जरूरी था ताकि आप भी ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो एक फोन कॉल से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आप खुद इस युवक से सुनिए कैसे फोन कॉल के जरिए लोगों को जाल में फंसाया जाता है। आप ये बताइए कि कैसे चलता है ये पूरा नेटवर्क, कैसे कॉल की जाती है और कैसे फिर कस्टमर झांसे, मतलब जो भी हैं जिनको कॉल करते हैं वो झांसे में आ जाता है, कैसे होता है ये सब पूरा? इसको जो है 10-12 टीम रहता है लड़के लोगों का। ठीक है ना, जैसे कि कम पढ़े लिखे लोग
लोगों को बताया जाता है कि इस सीरीज में कॉल करो, जैसे कि दिल्ली का नंबर निकाल लिया गया है, नया नंबर, ठीक है ना, सीरीज को ऑनलाइन गूगल से निकाला जाता है सीरीज को, और उसी के माध्यम से वो एक एक नंबर को चेंज कर दिया जाता है ना, 9846 9846, उसके 1 2 3 ऐसे करके सीरीज पे सीरीज आगे बढ़ते जाता है, 100 नंबर में एक आध बंदा फंस ही जाता है। अगर कोई शख्स फोन कॉल के झांसे में आ गया तो उससे कहा जाता है कि वो अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। कोशिश 16 अंकों वाले एटीएम कार्ड नंबर लेने से होती है। अगर फोन पर आया शख्स शक जाहिर करता है तो उसे भी झांसा देने के तरीके इनके पास हैं। कस्टमर को क्या कहते हैं, मुझे तरीके बताइए कि पहला तरीका क्या होता है, अगर नहीं फंसा तो दूसरा क्या है, और आजकल तो नए नए तरीके आ गए हैं, तो कस्टमर को कैसे तो क्या कहते हैं? आजकल देखिए लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट किया गया है, ठीक है ना, कि सबसे पुराना वाला बताइए, सबसे पहले सबसे पुराना वाला वही है नमस्कार सर, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण आपका बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, आप लिंक करवा लीजिए, बस वैसे ही। उसके बाद जो है अगर उसमें वो नहीं आया तो उसके बाद उसको बताया जाता है कि सर ठीक है सर, आपको कार्ड नंबर नहीं देना है, आपको एक कॉल आएगा, कॉल नंबर पे आपको आधार अपना एटीएम कार्ड नंबर जो है उसको पंच करना है, दबाना है, दबाने के बाद वो जो मेरे आईवीआर पैनल पे आ जाता है, आईवीआर एंटीसेप्टिक वॉइस रिस्पॉन्डिंग होता है उसका नाम, आईवीआर जैसे टोल फ्री नंबर होता है ना, टोल फ्री नंबर उसी तरह का नंबर से उसको कॉल जाएगा। कॉल जाने के बाद वो अपने सिंपल मोबाइल पे जैसे वो प्रेस करेगा नंबर तो वो मेरे पैनल पे दिख जाएगा। आधार कस्टमर केयर। हम आपको फिर से ये बता दें कि साइबर ठग की ये बातचीत हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ठगी के पूरे जाल को समझ सकें और सतर्क रहें। आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए इनके पास कई तरीके हैं। अगर कोई अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर न दे तो इसके लिए ये दूसरे तरीके भी आजमाते हैं, या आपके ही किसी करीबी या परिवार वाले का नंबर हैक कर लेते हैं और फिर उसी नंबर से आपको फोन करके किसी बहाने से अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहते हैं। एक तरीका और है कि किसी का मोबाइल से किसी को फोन, मतलब मोबाइल उसके पास और फोन कर दिया जाता है, वो क्या तरीका होता है? होता है ना कि जैसे आप ही के सिम नंबर से आप ही को कॉल किया जाएगा, अब तो कोई एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नंबर नहीं दे रहा है, आपके नंबर से अगर आपके घर वाले को अगर कॉल करेंगे तो वो तो अगर बोल देंगे कि एक्सीडेंट हो गया है आपका, उसको भाई हॉस्पिटल में, आप इस खाते में 20,000 50,000 डालें तो वो डाल देता है। और कोई तरीका नया जो आजकल चल रहा हो? और कोई तरीका जैसे कि मान के चलिए आजकल ओटीपी वगैरह नहीं देते हैं, है ना, तो स्पाई का सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पाई जासूसी करता है ना, तो हमसे गूगल से उसको परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद आपको एक लिंक मैसेज करेंगे, सर आपको कोई ओटीपी नहीं बताना है, हम खुद उसको एडवाइस देते हैं ओटीपी नहीं बताना, उसके बाद उसके मोबाइल पे इंस्टॉलेशन करवाते हैं और साइन इन करवा के हाइड करवा देते हैं, हाइड करा देने के बाद वो उसके अंदर में सॉफ्ट एप्लीकेशन काम करने लगता है और उसका सारा बैंक नोटिफिकेशन, ये व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेज, नोटिफिकेशन सारा हम देख लेते हैं, तो ओटीपी हम देख के उसका सारा काम कर लेते हैं, सिर्फ कार्ड नंबर उससे लेते हैं। आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया क्या? आपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाया है क्या? क्या आपको 4G का सिम चाहिए? ऐसे किसी एक बहाने से आपके पास भी किसी अजनबी का फोन आ सकता है। जामताड़ा में ऐसे कई गिरोह हैं जो कॉल सेंटर की तरह हर रोज देश के कोने कोने में लोगों को ऐसे फोन करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, कैसे किसी का बैंक खाता अचानक खाली हो जाता है, हम आज आपको ये भी बताएंगे। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम इनको इसलिए नहीं आती है क्योंकि पहले जब ये लोग शुरू करते हैं, ये लोग एज लेबरर्स ये लोग जाते हैं, यहाँ पर करीब 4-5 महीने वहाँ जाते हैं, सीखते हैं इस चीज़ को वहाँ के लैंग्वेज, क्योंकि एज काम करते करते उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से वो लोग सिम भी प्रोक्योर करते हैं जो यहाँ पर लेकर आकर वो ठगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए अपना घर से अपना सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया, 9 बजे पॉकेट मोबाइल भर लिया, हाफ पैंट पहन लिया, गंजी पहन लिया, गमछी ले लिया है, अपना निकल गया खेत तरफ, बोतल में पानी भी ले लिया है, वो जाना है उसको काम करके ही आना है, 9-10 बजे निकला वो जल्दी निकल जाता है, और अपना ये नहीं कि बैंक आवर में ही जाएंगे, वैसा कोई बात नहीं है,
कभी भी जाएगा, जब आपका काम होने रहेगा तो शाम में भी हो जाएगा, सुबह में भी हो जाएगा, निकल गया अपना दोपहर तक फिर आ जाएगा काम करके, कहीं भी जाके खेत में पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ के जाके और अपना जाके 50-60 मन से उसको 2-3 घंटा बैठना है, और जोरी नहीं कि वो 6-7 घंटा बैठेगा, अपना 100-50-60 कॉल लगाए एक काम हो गया फिर छोड़ भी सकता है, अभी वैसा कर रहा हूँ, और पहले दिन भर लग ले रहा था ना, पहले ज्यादा काम हो रहा था ना। तो एक दिन में कितनी कॉल लगाते हैं? 50 कॉल 100 कॉल 150 कॉल जैसे भी चेंज करते रहता है ना, एक स्टेट में 50 लगाया नहीं कुछ, फिर दूसरा स्टेट में चेंज कर लिया, उसमें नहीं आता है ये ट्रू कॉलर है सांप प्लस, उसमें चेक कर लिया, 4 नंबर डालने से कौन स्टेट का है, सिर्फ BSNL में लगाता अधिक। अच्छा, उसमें BSNL में ही अधिक लगाता है, उसमें जब भी जो भी निकलेगा पैसा ज्यादा निकलता है, तो अधिक बैलेंस रहेगा। अब तक आपने देखा कि झारखंड के जामताड़ा के दूरदराज इलाकों में बैठे कई शातर किस तरह से फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं, कैसे वो लोगों को झांसा देकर या मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के एटीएम कार्ड की डिटेल और ओटीपी हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद कैसे चंद मिनटों में ही किसी के खाते से सारी की सारी रकम गायब कर दी जाती है। अब आप ये देखिए, जामताड़ा में बैठे शातिरों को जैसे ही किसी के बैंक अकाउंट का ओटीपी मिलता है, वो फौरन वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल कर उसके खाते से सारी रकम अपने ई वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, और इसके अगले ही मिनट ई वॉलेट का पैसा दलालों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, बीजेपी नेता संजीव बालियान उन सैकड़ों लोगों में शामिल हैं जिनके बैंक खातों में ऑनलाइन सेंधमारी करके रुपए लूटे गए। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों के अलावा देश के 27 राज्यों में ऑनलाइन बैंक लूट के ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज हैं जिनका कनेक्शन जामताड़ा से है। बीते 4 सालों में अलग अलग राज्यों की पुलिस की छापेमारी में 450 से भी ज्यादा लोगों को दबोचा गया, लेकिन जामताड़ा में ये धंधा अब भी फल फूल रहा है। यकीन नहीं होता तो जामताड़ा में बनी इन आलीशान कोठियों को देखिए। अब इन तस्वीरों को देखिए, जामताड़ा के कर्माटांड और नारायणपुर इलाके में ऐसी कई कोठियां हैं जिनके मालिक कागज पर गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन असलियत में वो करोड़ों में खेल रहे हैं। इनके जो शौक है मोस्टली बेसिक शौक हैं, ये अगर आप स्टडी करेंगे इनको तो पहले ये BPL परिवार के लोग हैं, काफ़ी लोग अभी भी BPL लिस्ट में हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है इसी वजह से। इनके शौक हैं, वो बढ़िया घर चाहते हैं, घर में सारे जो साजो सामान की चीज़ें हैं वो चाहते हैं, AC, TV, फ्रिज, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें चाहते हैं, प्लस एक बढ़िया गाड़ी चाहते हैं। नॉर्मली इनके शौक यही होते हैं, बाकी वो लोग ट्रिप्स वगैरह लेना पसंद करते हैं छुट्टी के लिए। जामताड़ा में एक से बढ़कर एक ऑनलाइन ठगी के उस्ताद हैं। इनमें एक नाम है सीताराम मंडल। हाल ही में सीताराम मंडल को दिल्ली पुलिस जामताड़ा से गिरफ्तार करके लाई थी। दिल्ली पुलिस का दावा था कि सीताराम जामताड़ा के साइबर क्राइम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सीताराम मंडल के खिलाफ ऑनलाइन ठगी के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद इसके सिर्फ एक अकाउंट से 1 करोड़ की लेन देन का पता चला है। बताया जाता है कि सीताराम एक वक्त मुंबई में फोन रिचार्ज करने का काम किया करता था, और देखते ही देखते वो साइबर क्राइम का गुरु घंटाल बन गया। जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में लोगों के बैंक अकाउंट की ऑनलाइन लूट की है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2017 के अप्रैल से दिसंबर महीने तक ATM, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग में धोखाधड़ी के 47,730 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें लोगों को 265 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है। ऐसे अपराध के 50% से भी ज्यादा मामले सिर्फ जामताड़ा से जुड़े हुए हैं।